सभी बच्चों, आपने भारत के महापुरुषों एवं महान संतों के बारे में जरूर पढ़ा होगा और सुना भी होगा, जिनमें कबीर दास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई आदि प्रमुख हैं। गुरु नानक देव जी भी उन्हीं में से एक हैं, जिनके जन्म दिन को हम गुरु पर्व यानी गुरु पूर्व के रूप में मनाते हैं। आज हम आपको गुरु नानक जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक जी का जन्म 1469 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। गुरु नानक जी के पिताजी का नाम मेहता कालू चंद खत्री यानी मेहता कल्याण दास तथा माता जी का नाम तृप्ता देवी था। इनकी बहन का नाम नानकी था। नानक जी का जन्म स्थान तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना साहिब कहा जाने लगा। नानक जी सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक जी अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुणों को समेटे हुए थे। गुरु नानक देव जी ने समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को दूर करके लोगों के जीवन में प्रकाश भर दिया था। इसीलिए उनके जन्म दिन को प्रकाश पर्व व गुरु पूरब के नाम से हर साल बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं बच्चों, सिख समुदाय के लोगों के लिए ये दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। कहते हैं कि एक बार नानक जी के पिता ने उन्हें बाजार भेजा कारोबार के लिए। कुछ सामान खरीद कर लाने के लिए 20 रुपए भी दिए, पर नानक जी ने उन 20 रुपयों से भूखे साधुओं का लंगर करवा दिया। उनके मुताबिक भूखों और गरीबों की सहायता करना ही सबसे बेहतर सौदा है। गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई लंगर की प्रथा आज भी हर गुरुद्वारे में प्रचलित है। ज्योति जोत में समाने से पहले गुरु नानक जी ने अपने शिष्य भाई लहणा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को दूसरा नानक कहकर अपने बराबर का स्थान दिया। गुरु साहिब जी का इलाही संदेश है, नाम जपो, कीर्त करो और वंड छको, नफरत व ईर्ष्या को छोड़ो, वो अकाल पुरख ही हम सबका पिता है। हम सभी उसी की संतान हैं। परमात्मा उन पर बख्शीश करता है जो उसकी सृजना के साथ प्यार करते हैं। जो भी परमात्मा और उसकी सृजना, उसकी कुदरत को प्यार करता है, वो सही मायने में मुक्त होता है, परमात्मा की ज्योति में अभेद हो जाता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया,
कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। वाहे गुरु वाहे